ज्ञानवापी का वो अनदेखा वीडियो सामने आ चुका है जिसका पूरे देश को इंतजार था। साथ ही इस वीडियो ने ज्ञानवापी के गहरे राज को सबके सामने ला दिया है। ये शिवलिंग है या फव्वारा? ज्ञानवापी में तहखाने की हकीकत क्या है? आज की इस चौंका देने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मस्जिद है या मंदिर, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले सर्वे टीम अंदर पहुंची और उसने भरे हुए पानी को खाली करवाया। वैसे दोस्तों, शिवलिंग के चारों तरफ पानी का होना भी एक फैक्ट है, क्योंकि इसी पानी से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। वीडियो में देखे तो जैसे जैसे पानी कम हुआ तो शिवलिंग के आकार का हिस्सा दिखने लगा। जब पानी पूरी तरह से कम हो गया तो अंदर से शिवलिंग जैसी आकृति उभर कर आई। जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा था तो मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये फव्वारा है। इसके बाद जांच टीम ने इसको बारीकी से और हर एक एंगल से देखा। सर्वे टीम के अनुसार शिवलिंग के ऊपर बड़ी सफाई से सीमेंट रखा गया है, जिसे 5 टुकड़ों में काटा गया है और जो शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि इससे छेड़छाड़ हुई है। शिवलिंग जैसी दिख रही आकृति की ऊंचाई 58 सेंटीमीटर है। अंदर करीब 2.5 इंच का सुराग भी मिला है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि नंदी महाराज के ठीक सामने मस्जिद वाले हिस्से में करीब 20 कदम पर टीन शेड के नीचे शिवलिंग वाली आकृति है, जहां पानी भरा हुआ था। नंदी महाराज से शिवलिंग की दूरी मात्र 83 फीट की है। इससे यह प्रमाणित होता है कि नंदी को उसी शिवलिंग के लिए स्थापित किया गया था। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी की दीवार की तस्वीरें भी वीडियो में दिख रही हैं, जिस पर कई ऐसे नक्काशी हैं जिसे देखकर दावा किया जा सकता है कि ये मंदिर रहा था। दीवारों पर एक दर्जन जगह उकेरे गए त्रिशूल के अलावा स्वास्तिक के भी निशान हैं। इसके अलावा फूल भी नजर आ रहे हैं, साथ ही हाथी के चित्र भी बने हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंदिर है या मस्जिद? कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।